हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ दीप्ति, आई एम अ पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। एंड जैसा कि आपको पता है, इन वीडियो सीरीज़ में हम कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के जो सेट्स हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 सेट हम सॉल्व कर चुके हैं, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेट 3। ठीक है, तो लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू द सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो देखो, देयर वर नॉट इनफ Tinsmiths in Vienna to dash the lanterns for street lighting. बताइए क्या होना चाहिए। अब देखो, सब जो भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, करेक्ट है इतना। हाँ जी, एक बात का ध्यान रखना, जैसे टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि मैम टू के बाद नाउन प्रोनाउन भी तो आ सकते हैं, वो चीज़ ठीक है, लेकिन अगर वर्ब आएगी तो फिर वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, ये रूल है। टू के बाद कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं आ सकती है। नाउन प्रोनाउन हो फिर एक अलग बात है, जैसे शी रोट अ लेटर टू मी, तो यहाँ पे क्या है, मी आपका प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस। चलिए, हाँ जी, क्या आना चाहिए, accomplish, compose, execute या manufacture। तो यहाँ पे देखो, street lighting के लिए lanterns को क्या करना है, manufacture। manufacture will be the correct answer। हाँ जी, समझ में आया। चलिए, second question की अगर हम बात करें, select the most appropriate antonym of the given word। आपको बताना है antonym। given word है आपका inordinate। हाँ जी, इनऑर्डिनेट आपका गिवन वर्ड है, इसका आपको एंटोनियम बताना है। सोचिए क्या होगा। एक चीज़ और, आप सभी लोग कमेंट्स में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। हर सेट के साथ आपका स्कोर इम्प्रूव होना चाहिए। जो बेसिक रूल्स है, एक आप अलग से नोटबुक बना लीजिए, जो भी रूल्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एज सिंपल एज दिस रूल, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए, क्योंकि ये वो रूल है जो आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करते हैं। तो आपको इनऑर्डिनेट का एंटोनियम बताना है। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सब लोग अपना आंसर अपने माइंड में रेडी रखा करो, फिर देखा करो कि करेक्ट है कि नहीं। ऐसे आपको अपना स्कोर काउंट करना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लगे कि स्लो है तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, इनऑर्डिनेट क्या होता है आपका, कोई चीज जिसका कोई रीजनेबल से ना हो, जो चीज रीजनेबल ना हो, जैसे कि ऑप्शन में गिवन है अनड्यू नहीं, एक्सट्रीम नहीं, एक्सॉर्बिडेंट नहीं, इसका होगा एंटोनियम। की अगर बात की जाए तो रीजनेबल, ये सारे वर्ड्स किसी ना किसी सेंस में इसके सिनोनिम ही है, एंटोनियम नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा रीजनेबल। समझ में आया सेकेंड क्वेश्चन। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। इन दी सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको एरर बतानी है कौन से सेंटेंस में है। ऑन सितंबर 11, 2001, 2 हाईजेक्ट एयरक्राफ्ट्स क्रैश्ड टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। हाँ जी, बताइए क्या, किस पार्ट में एरर है। हाँ जी, अपने माइंड में आप अपना आंसर रेडी रखिए एंड देन आई विल एक्सप्लेन क्या होना चाहिए। ऑन सितंबर 11, 2001, 2 हाईजेक्ट एयरक्राफ्ट्स क्रैश्ड टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। कौन से पार्ट में आपके अकॉर्डिंग एरर है। तो सबसे पहले देखो, क्रैश्ड टू नहीं होगा, क्रैश्ड ऑन होगा। ठीक है, उस पे वो जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गए, तो यहाँ पे आपकी थर्ड पार्ट में एरर है। ठीक है, डेट के साथ आपका ऑन ही आता है, इस बात को आप ध्यान रखना। जब भी डेट होगी उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन का ही आप यूज करोगे। चलो, फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात की जाए, सेलेक्ट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये आपके सामने वर्ड है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। देखो, ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। सिनोनिम तो चलो आप जनरली सही कर देते हो, लेकिन स्टूडेंट्स एंटोनियम में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अगर ये चीज़ हाईलाइट ना हो तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए, करंट आपका वर्ड है, आपको बताना है इसका सिनोनिम। हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो, करंट ऐसे नहीं बोलते कि इन करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो। करंट का मतलब क्या? एक तो करंट होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, हाँ जी, जिसको हम एम्पियर से मेजर करते हैं। एमीटर्स मतलब एम्पियर उसकी यूनिट होती है और एमीटर से उसको मेजर करते हैं। वो हो गया इलेक्ट्रिसिटी वाला। बट अदरवाइज अगर बात की जाए तो इट इज़ present scenario, current situation, present situation. This will be the synonym of the given word. समझ में आया? ये भी याद रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं कि करंट को किससे मेजर किया जाता है, एमीटर से आप मेजर करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। Select the correct passive form of the given sentence. अब क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर वॉइस की बात की जाए तो या तो आपसे बोल देगा कि आप एक्टिव फॉर्म सेलेक्ट करो, पैसिव फॉर्म आपको गिवन होगी, या फिर एक्टिव फॉर्म गिवन होगी, पैसिव फॉर्म आपको सेलेक्ट करनी है। हाँ जी, द जापानीज एम्परर अकिहिटो एब्डिकेटेड द क्रिसेंथेमम थ्रोन इन अप्रैल 2019। क्या होना चाहिए? अब देखो, अटेम्प्ट कैसे करना है, दो तरीके हैं। या तो आप पूरा जैसे थ्योरी में सीखते हो कि ये चीज़ ऐसे ऑब्जेक्ट का बनाओ सब्जेक्ट, इस तरीके से आप करो। दूसरी चीज़ है, सबसे पहले आप टेंस नोटिस करो कि कौन सा है। यहाँ पे अगर हम टेंस की बात करें, पहले आप लोग अपना अटेम्प्ट करो, देन आई एक्सप्लेन। आपके अकॉर्डिंग पहले बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए, देन आई एक्सप्लेन। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे देखिए, अब जो टेंस है वो है आपका सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, अब बस आपको ये चेक करना है कि ऑप्शंस में सिंपल पास्ट कौन से ऑप्शंस में। अगर सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट का कोई काम नहीं है। ये दो ऑप्शंस तो पहले ही बाहर, या तो ये हो सकता है या फिर ये। अच्छा मुझे बताना, अब यहाँ पे आप चेक करो, एम्परर एब्डिकेटेड हुआ था या फिर थ्रोन, तो ऑब्वियस सी बात है थ्रोन को एब्डिकेटेड किया गया है यहाँ पे। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ पे। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली difficult to understand. हाँ जी, तो देखो इसका आप देखो, इंग्लिश की बात अगर की जाए तो इंग्लिश में एग्जामिनेशन एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रीहेंड आपकी वर्ब है जिसका मतलब होता है समझना, तो उसी से वर्ड बना है कॉम्प्रीहेंशन, उसी से नाउन बने है कॉम्प्रीहेंशन जिसका मतलब होता है समझ। तो यहाँ से जैसे वो क्लोज टेस्ट है, अनसीन पैसेज है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से एग्जामिनेशन आपकी इंग्लिश को लेके समझ जो है वो पहचानना चाहती है। तो जो चीज़ इम्पॉसिबल है या एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है समझने में, सीधा सीधा आपको पता है क्या होगा, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको आसानी से ना समझा जा सके। कॉम्प्रिहेंसिबल क्या होगा? जिसको समझा जा सके। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल क्या होगा? जिसको समझा ना जा सके। समझ में आया? इनएविटेबल होता है जिसको टाला ना जा सके। इनऑडिबल जिसको सुना ना जा सके। अगर आप क्लासेस अटेंड करते हो अनअकैडमी पे तो स्टार्टिंग में टीचर्स जनरली पूछते हैं कि एम आई ऑडिबल, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? तो इनऑडिबल यानी कि जिसको सुना ना जा सके। इनकम्पैटिबल जिसके साथ समन्वय ना बिठाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो आपको क्या, ये वाला जो पार्ट है इसको आपको इम्प्रूव करना है। ही ट्राइड टू he tried to prevent his friend to smoke. Hanji. He tried to prevent his friend. सबसे पहली बात यहाँ पे देखो prevent है, prevent के साथ do नहीं आता, क्या आता है? अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि do के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये फोर्थ फॉर्म है, इस ऑप्शन को तो सबसे पहले हटा दो, ये भी इम्प्रूवमेंट होगा, smoking नहीं, from smoking will be the correct answer, हाँ जी, from smoking will be the correct answer, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं 7th-8th सेंटेंस पे. Given below are 4 jumbled sentences. Out of the given options, pick the one that gives their correct order. हाँ जी, sentence rearrangement का question है आपके सामने, बताइए क्या होना चाहिए. Take your time, आराम से attempt करो and then I will tell you the correct order और कैसे attempt भी करना है. ऐसा नहीं करना है कि पहले चारों sentences को पढ़ लिया फिर ऐसे sense बिठाने की कोशिश की, ऐसा नहीं करना है. Logical तरीके से इस question को हम solve करेंगे. पहले आप लोग अपनी तरफ से solve कीजिए. हाँ जी, लोग अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए. चलो देखो, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चारों सेंटेंसेस को रीड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट होना चाहिए, कौन सा सेकंड, ऐसे नहीं करना है. सबसे पहले ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो. यहाँ पे देखो जनरली क्या होता है, ऑप्शंस में कोई एक सेंटेंस तो ऐसा होता है कि ऑप्शन गिवन ही ना हो तो आपको पता होता है कि वहां से शुरू नहीं होगा, बट इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारे सामने चारों ही सेंटेंसेस हैं जिससे शुरू हो सकता है, तो बस आप शुरू का सेंटेंस पहचान लो और आपको आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ पे देखो हमने ये देखा इट डिपिक्ट्स, हमें नहीं पता इट आपका आता, इट क्या है, प्रोनाउन है, आएगा किसके लिए, नाउन के लिए आएगा, तो डी से तो शुरू नहीं होने वाला है, इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है. द नॉवेल इज सेट इन केंट एंड लंदन इन द अर्ली 19th century. लेकिन यहाँ पे जैसे हमने बी को देखा, यहाँ पे नॉवेल और उसके राइटर का नाम है, दिस विल बी द फर्स्ट सेंटेंस, तो बी से आपका जो है पैसेज शुरू होगा, दिस विल बी द करेक्ट. बस इतना पढ़ो और काम हो गया. आपको ये पता है कि किससे शुरुआत होगी, चारों ऑप्शंस डिफरेंट हैं, बात खत्म. चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं. सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन. तो यहाँ पे अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है. क्या होना चाहिए, अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो. अभी यही क्वेश्चन आपका एक और सेट में भी है जिसमें लिखा होगा यूज्ड बाय एस्किमोज. हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, बताइए क्या होता है. क्या होता है बताइए. हाँ जी, ये हम बचपन से ऐसे सोचते थे ना कि ऐसे घर में तो हमें भी रहना है. इसको बोलते हैं इग्लू, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इग्लू. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं 10th. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. टिट फॉर टैट, अच्छा ये बहुत यूज होता है, ये तो बहुत ही कॉमन है, टिट फॉर टैट. हिंदी में बोलते हैं जैसे को तैसा. हाँ जी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा. क्या होना चाहिए, टिट फॉर टैट होता है टू डू हार्म एज डन टू यू, टू डू हार्म एज डन टू यू, जैसे को तैसा. चलिए 11th क्वेश्चन की बात करते हैं. अगेन इडियम का क्वेश्चन है. बाइट योर टंग, बाइट योर टंग, क्या होना चाहिए. हाँ जी, बाइट योर टंग, क्या होना चाहिए. बाइट योर टंग का होता है स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, कुछ कहने से खुद को रोक लेना, टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं होगा, अगर आप टंग को बाइट करोगे तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। अच्छा ये ऑप्शन जो है मोस्टली स्टूडेंट्स ये ऑप्शन टिक कर देते हैं कि गेट ब्रूजेस इन द माउथ, लेकिन ये इसको सबसे पहले कट करो। किसी भी इडियम का कभी भी लिटरल मीनिंग तो हो ही नहीं सकता है, शाब्दिक अर्थ किसी भी इडियम का कभी नहीं होता है। तो इसका ये होगा इस वर्ड पर्टिकुलर का कि बाइट योर टंग का होगा स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। हाँ जी समझ आया। चलिए 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है। अब आपको इम्प्रूव कौन सा पार्ट करना है, ये वाला ऑन द आइडिया ऑफ, ये पार्ट आपको इम्प्रूव करना है। हाँ जी बताइए क्या होगा। द बॉयज वर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। हाँ जी क्या होना चाहिए बताइए। हाँ जी तो देखो डिलाइट के साथ आपकी जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है वो थी एट, तो इसको हटा दो और इसको हटा दो। अब एट दी आइडियाज, देखो अगर आइडिया मेंशन नहीं किया होता कि कौन सा है फिर तो हम सोचते भी कि एट एन आइडिया, बट यहाँ पे आइडिया स्पेसिफिकली मेंशन है कि क्या है, तो यहाँ पे आएगा एट दी आइडिया ऑफ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन की अगर बात की जाए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, क्या होना चाहिए। फिलर से क्वेश्चन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव स्टार्टेड टू टेक डैश ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अगर मैं पूछूं टू टेक व्हाट तो क्या आना चाहिए, व्हाट का आंसर कौन देता है। देखो तीन वर्ड्स है आपके पास, व्हाट, हु एंड हू। ये तीन वर्ड्स का जो भी आपको आंसर देना वो आपका कौन होगा, वो होगा नाउन, ठीक है। तो नाउन का आंसर हमें इन तीन वर्ड से मिलेगा, व्हाट, हु एंड हू। तो मैं कहूँगा आई हैव स्टार्टेड टू टेक व्हाट, तो आप कहोगे मैम कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, तो देख लीजिए क्या होगा। हाँ जी अपने अकॉर्डिंग देखिए और सोचिए कि क्या आंसर होना चाहिए। परसेप्शन नहीं होगा। टू टेक नॉलेज हो सकता है या तो, या फिर कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस क्या होता है, कॉग्निजेंस होता है अवेयरनेस, नोटिस। तो सिर्फ नॉलेज ही नहीं, उसको नोटिस में ले लेना। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, कॉग्निजेंस। ओके दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। जियोपेरडाइज। हाँ जी जियोपर्डाइज का क्या एंटोनियम होगा, सिनोनियम नहीं बताना है, एंटोनियम आपको बताना है। सिनोनियम नहीं बताना है आपको, एंटोनियम बताना है। क्या होना चाहिए, देखो जेपर्डाइज का होता है, जेपर्डाइज का क्या मतलब होता है, बेसिकली जेपर्डाइज होता है आपका खतरे में डाल देना, ठीक है। तो इसका होगा प्रोटेक्ट। एंटोनियम हमें बताना है तो एंटोनियम हो जाएगा प्रोटेक्ट। थ्रेटन होता है डराना, एम्पैरल भी खतरे में डालना। पैरल का मतलब ही होता है खतरा, पेरिलस होता है आपका खतरनाक, ठीक है। जैसे एक तो ये ध्यान रखना किसी भी वर्ड के पीछे अगर OUS सफिक्स लग जाएगा तो इसका मतलब ही होता है फुल ऑफ। जैसे ह्यूमर है, हास्य, ह्यूमरस, फुल ऑफ ह्यूमर, ठीक है। डेंजर, डेंजरस, फुल ऑफ डेंजर। तो पेरिलस फुल ऑफ पैरल यानी खतरा, ठीक है। इसी से एक आपका पेरिल से अगर एक इडियम की मैं बात करूं तो आएगा येलो पेरिल। येलो पेरिल क्या होता है, फियर ऑफ फॉरेनर्स, जिसका एक सिनोनियम है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया सिनोनियम होगा, ठीक है। येलो पेरिल, फियर ऑफ फॉरेनर्स। एक चीज और, किसी भी वर्ड के पीछे अगर फोबिया लिखा हो इसका मतलब होता है डर। जैसे कि मेंस में CGL मेंस की अगर बात की जाए तो क्वेश्चंस पूछे गए थे, हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर, पायरोफोबिया फियर ऑफ फायर, ठीक है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर सफिक्स आपको दिखे मेनिया तो इसका मतलब होता है पागलपन, ठीक है, इसका मतलब होता है ऑब्सेशन। जैसे एक वर्ड है लेप्टोमेनिया, किसी को चीजें चुराने की आदत हो, उसको नीड हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, जस्ट उसको वो चीज चुरानी है चाहे उसके पास हो पहले से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेप्टोमेनिया। थियोमेनिया होता है एक, जिसमें लोग मतलब जिसमें एक पर्सन जो है वो खुद को भगवान समझने लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे, ध्यान रखना, पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अगेन आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। पहले आप अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे इसको अप्रोच करना है। लॉजिकली हम इसका आंसर जो है फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, आप अपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट कीजिए, देन वी विल सी की क्या करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो देखो अगेन सबसे पहले आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो, या तो जो शुरुआत है वो ए से हो सकती है, या फिर डी से हो सकती है, या फिर सी से हो सकती है। जैसे आपको कह रही थी ना कि कोई दो ऑप्शंस रिपीट हो जाए, तो आपको पता है बी से तो किसी भी हालत में शुरुआत नहीं होगी। हाँ जी, एक चीज और, अगर दो ऑप्शंस में कोई मतलब दो ऑप्शंस में कोई सेम मेथड है, जैसे कि यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस में ए से शुरुआत हो रही है, तो देखो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि ए से ही शुरुआत होगी, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस मतलब होते हैं, बट कभी कभी नहीं भी होता, तो हम ऐसे नहीं डायरेक्ट मान के नहीं चलेंगे, हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, बिफोर डिपार्टिंग ही वेंट टू सी हिज लिटिल बेबी हु वॉज स्लीपिंग इन अ क्रिब। तो देखो ही कौन है हमें नहीं पता, ठीक है, तो डी से तो आपकी जो है शुरुआत नहीं हो सकती, इस ऑप्शन को कट कर दीजिए। As he did so, what? कोई चीज तो होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे देखो सी से भी शुरुआत नहीं होगी, इसको भी कट कर दीजिए, शुरुआत आपकी होगी ए से। अब ए आपका या तो सी से रिलेट कर सकता है या डी से रिलेट कर सकता है। ए को देखा, वन फाइन मॉर्निंग अ हंटर वॉज, ये ही किसके लिए आया है फिर, हंटर के लिए, अ हंटर वॉज गेटिंग रेडी टू गो हंटिंग बिफोर डिपार्टिंग। भाई देखो जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन जाने से पहले, तो ए आपका सीधा सीधा रिलेट कर रहा है डी से, तो करेक्ट होगा टू। बी को तो रीड करने की भी नीड नहीं पड़ी और हमारे सामने आंसर है। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना, मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, तो टाइम लग रहा है, अगर करना होता तो फटाफट से कि हाँ सी से भी नहीं होगा, डी से भी नहीं होगा, ए से होगा। अब रीड कर लिया, सी और डी तो हमने रीड किए ही हुए थे पहले, तो बस ये देख लिया कि किससे रिलेट करेगा, खत्म बात, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोचना कि टाइम लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कई बार पेपर पूछ लेता है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको रॉन्गली स्पेल्ड बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड। फिलहाल तो हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। हाँ जी, क्या होना चाहिए? तो देखो क्यूरियस स्पेलिंग, क्यूरियस अगेन फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, तो ये भी नहीं होगा। स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग सही है बट ये आंसर नहीं है। कर्स भी करेक्ट है, करी भी करेक्ट है, दिस पर्टिकुलर वर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। कर्सर के स्पेलिंग में ई नहीं आता है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर बट रॉन्ग स्पेलिंग। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आपका ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, बताइए कौन से पार्ट में एरर है। बिलियनर फिलिप इज द ऑनर ऑफ द लग्जरी याच लियोनार्ड which worth an estimated $150 million। हाँ जी, क्या होना चाहिए? ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, बताइए क्या होना चाहिए। ये एक तरीके की बोट होती है, क्रूज टाइप, ठीक है, मीडियम साइज्ड, रेसिंग में यूज हो सकती है या क्रूज के पर्पज से यूज हो सकती है। हाँ जी, देखो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, थोड़ा सा चलता है पोजेशन की तरफ। पोजेसिव केस की अगर बात की जाए, नाउन्स की पोजेसिव केस की, तो आपको पता है दो कैटेगरी है, एक है लिविंग और एक है आपकी नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग का पोजेशन हम कैसे बताते हैं? अपोस्ट्रोफी एस से। लिविंग के पोजेशन की बात की जाए तो अपोस्ट्रोफी एस से हम बताते हैं, जैसे रामस्कार, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग की पोजेशन की अगर बात की जाए तो हम बताते हैं ऑफ से, जैसे लेग्स ऑफ चेयर, यही चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो विच वर्थ, ये जो याच है ये क्या है, नॉन लिविंग में आएगा, तो हम इसको इसको ऐसे लिखना होगा, वर्थ ऑफ विच, वर्थ ऑफ विच विल बी द करेक्ट मेथड। की इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में आपकी एरर है, विच वर्थ नहीं होगा, वर्थ ऑफ विच होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? ये रूल इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है, बट फिलहाल इनडायरेक्ट पूछिए तो आप बताइए कि क्या होना चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर कीजिए कि क्या होना चाहिए। तो देखो, The shopkeeper asked me where is your car? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव। हाँ जी, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके, क्वेश्चन जब किसी को पूछना हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। दो टाइप्स के होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। क्लोज एंडेड क्या होता है, इसको बोलते हैं येस या नो, यस या नो क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं डू यू लाइक कॉफी, तो आप इसका आंसर क्या करोगे, यस मैम, नो मैम, दो ही आंसर पॉसिबल है, कोई और आंसर तो नहीं कर सकते ना। जैसे कि हैव यू सीन द ताज, कोई और आंसर करोगे, नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखो दो ही आंसर पॉसिबल है, एंड जो है वो क्वेश्चन का वो क्लोज है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि मल्टीपल आंसर्स इसके पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि व्हाई डू यू लाइक कॉफी, अब बहुत सारे आंसर आ सकते हैं कि बॉडी के लिए अच्छी होती है, टेस्ट पसंद है, फ्रेग्रेंस पसंद है, बहुत सारे रीजंस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ध्यान रखना क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में क्या डिफरेंस है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करते हो, जस्ट हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ सब्जेक्ट से। जैसे डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, लाइक मेन वर्ब, कॉफी आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर ओपन एंडेड की बात की जाए तो क्वेश्चन वर्ड आप लगा दीजिए, व्हाई डू यू लाइक, तो फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अब ये चीज क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन में या तो आप कंजंक्शन इफ का यूज करते हो या फिर वेदर का यूज करते हो, जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चन में कंजंक्शन, जो क्वेश्चन वर्ड गिवन है ना, आप उसी का यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए वेयर क्वेश्चन वर्ड है, तो आप कंजंक्शन के तौर पे वेयर का ही यूज करोगे सभी में। अब एक चीज और, कंजंक्शन के बाद आपका आना चाहिए कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के भी दो पार्ट्स होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इनको आप पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम से जानते हो। तो यहाँ पे देखो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हो सकता है ये वर्ब दो फुल स्टॉप दो पार्ट्स में डिवाइड हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखो द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर, सभी ऑप्शंस में सेम है। टेंस का ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, पास्ट बना दो, प्रेजेंट है पास्ट बना दो, पास्ट है मोर पास्ट बना दो। तो वेयर इज योर कार, ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये दो ऑप्शंस को तो आप कट कर दीजिए, ठीक है, या तो ये आंसर होगा या फिर ये। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कंजंक्शन के बाद ये हुई आपकी कंजंक्शन, इसके बाद असर्टिव सेंटेंस यानी पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब, तो ये माय कार हुआ सब्जेक्ट और ये फिर वर्ब, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की है तो इतना टाइम लगा है, अदरवाइज इस चीज की हेडेक बिल्कुल नहीं लेनी है। ये क्वेश्चन आपका लिटरली 2 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आप तुरंत ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, आपको रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है, फॉलोइंग में से कौन सा आपका रॉन्गली स्पेल्ट है। हाँ जी, फॉलोइंग में से कौन सा आपका रॉन्गली स्पेल्ट है। सेटल बिल्कुल करेक्ट है। सैटिएट इसका मतलब होता है संतुष्ट करना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था सीजीएल 2018 प्री और मेंस में। देखो सैटिएट सेटिस्फाई करना, सैटिएबल जिसको सेटिस्फाई किया जा सके, इनसैटिएबल जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके, ठीक है। सेशन करेक्ट है स्पेलिंग। यहाँ पे देखो सैटेलाइट, हाँ जी सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या होती है, SATELLITE, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे ए नहीं होगा, ई होना चाहिए, तो दिस इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड एंड आर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 19th का आंसर हुआ 2। आगे बढ़ते हैं, 20th क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने जो है क्लोज टेस्ट है। अब आप पहले अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिए कि फर्स्ट क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा मेथड बताऊंगी कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। हाँ जी, आप अपने लेवल पे पहले ट्राई कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन। हाँ जी, बताइए क्या होना चाहिए। चलो देखते हैं, क्लोज टेस्ट जब भी आपके सामने हो तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या, सबसे पहले आप पूरा जो पैसेज है आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि फर्स्ट में जो आंसर है वो आपको यहीं कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बार ये ऐसा देखा गया है कि आंसर आपको मिल जाता है पैसेज में, आइडिया लग जाता है, आपको टोन समझ में आ जाएगी, आपको सेंस समझ में आ जाएगा कि कंप्लेनिंग है, नेगेटिव टोन है, पॉजिटिव टोन है, सजेशन दे रहा है, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तो अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो अगर कंप्लेनिंग टोन है तो नेगेटिव वर्ड्स ही यूज होंगे, इस टाइप से आप फिर ऑप्शंस को एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर ही सकते हो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वॉज डैश टू अ स्टैंड स्टिल on an autumn day dash 1994, the culprit for the outage dash a squirrel that had chewed through a power line near the computer center of the dash in Trumbull, Connecticut. The shutdown dash lasted for half an hour, resulted in the NYSE operating at 85% capacity. तो यहाँ पे देखो the trade on New York Stock Exchange was, अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको ये चीज चेक करनी है कि जो डूअर है वो एक्टिव है कि पैसिव है। सपोज करो ये चीज है, ये एक्टिव डूअर तो हो नहीं सकता है, खुद तो काम करेगा नहीं, तो यहाँ पे वॉज के बाद जो भी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव का स्ट्रक्चर। हाँ जी, अब स्टैंड स्टिल पे कोई खुद तो जाएगा नहीं, वर्क तो करेगा नहीं, हैपन भी नहीं होगा, टेकन भी नहीं। वॉज ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल, ठीक है। हाँ जी, was brought to a, ऐसे नहीं बोलते was brought to you, तो was brought to a standstill on an autumn day dash 1994। अब इसी क्लास में मैंने आपको ये बताया है on आता है आपका कंप्लीट डेट के लिए, जैसे on 20th September, इस टाइप से। अगर पर्टिकुलर डेट है तो उसके लिए आएगा आपका ऑन, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ ईयर दे रखा है। हाँ जी, ईयर के लिए आता है कौन से साल, मे का सेंस बनता है, तो अगर सिर्फ ईयर हो तो आप लिखोगे इन। इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको पता है, ऑन को सबसे पहले कट करो, ठीक है, तो आ जाएगा इन 1994। अब देखो द कल्प्रिट फॉर द आउटेज, द कल्प्रिट, ऐसा होने का, ये जो हुआ है ऐसा होने का कल्प्रिट कौन है। द कल्प्रिट फॉर द आउटेज, अब देखो यहाँ पे देखो वॉज टेंस कौन सा चल रहा है, आपका पास्ट चल रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट को तो सबसे पहले हटा दो। अब ऑप्शंस को देखो, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर है, तो वर्ब को भी हटाओ, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वॉज अ स्क्वायर, वॉज अ स्क्वायर, ठीक है। दैट हैड चूट थ्रू अ पावर लाइन नियर द कंप्यूटर सेंटर ऑफ द डैश, क्या आना चाहिए, ऑफ द किसकी बात हो रही है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की। अब फोर्थ का आंसर आपको पहली लाइन में दिया हुआ है, टाउन नहीं है, स्टोर नहीं है, बैंक नहीं है, क्या है, एक्सचेंज है, बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप हिंदी बना नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये चीज तो समझ में आ रही है ना कि नाम किस चीज का दिया हुआ है। कोई टाउन की बात नहीं हो रही है, किसी स्टोर या बैंक की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, एक्सचेंज सेंटर की। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, The shutdown dash lasted. The shutdown dash lasted for half an hour. देखो ये क्या है आपका, कोई ऑब्जेक्ट ही है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे इसको, बट ये पर्सन नहीं है। हाँ जी, ये पर्सन तो नहीं है, इतनी बात तो मान रहे हो। तो हु और हुम को सबसे पहले कट करो। हु और हुम आपके पर्सन के लिए यूज होते हैं। हु आपका है सब्जेक्टिव केस और हुम आपका है ऑब्जेक्टिव केस। इस बात को दिमाग में बिठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो ऑप्शंस तो कट हो गए। विच आपका आता है सिलेक्शन के लिए। अब देखो किस शटडाउन की बात हो रही है, सिलेक्शन हमारे पास, हमने सिलेक्शन कर लिया, बहुत सारे शटडाउन हो सकते हैं, बट ये वाला जो कि लगभग आधे घंटे तक चला, तो आंसर होगा विच। हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा आपका, विच, विच विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हाँ जी, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या आंसर होना चाहिए, सेलेक्ट दी मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है आपके सामने अडेयर। हाँ जी, अडेयर क्या होता है, अडेयर इग्नोर नहीं होता, रिलीज डिटैच नहीं होता। अडेयर का मतलब है एक तो आपका अडेयर टू, स्टिक टू, जैसे अडेयर टू द रूल्स, स्टिक टू द रूल्स, तो कंप्लाई, सहमति एक तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंप्लाई। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। अब सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने सेट अटेम्प्ट किया है, अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना, ताकि आप अपनी खुद की ग्रोथ देख पाओ। भाई एक सेट किया, दो सेट किए, तीन सेट, बहुत सारे सेट्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हर सेट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। क्लियर है इतना? सभी के सभी अपना स्कोर ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 4, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट्स एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट करके चल रहे हैं, अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक ही प्लान में मल्टीपल एजुकेटर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो या रीजनिंग, सभी के सभी सब्जेक्ट के सभी टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एक ही प्लान में, ठीक है। अगर आपकी लाइव क्लासेस मिस हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास रिकॉर्डिंग्स आराम से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2019 और सीएचएसएल 2019 के एस्पिरेंट्स के लिए तो जो मस्ट फॉलो कोर्सेज हैं वो अभी चल रहे हैं और ये सारे के सारे कोर्सेज आपको एक ही प्लान में मिलेंगे। अगर आप 1 ईयर का प्लान परचेज करते हो तो पड़ जाएगा करीब 4800 रुपीज़ का, 6 मंथ्स का अगर आप प्लान परचेज करते हो तो पड़ जाएगा करीब 3800 रुपीज़ का। इस प्राइस पे अगर आपको प्लान परचेज करना है तो आपको डिस्काउंट कोड का यूज करना होगा। डिस्काउंट कोड है PMYT, ठीक है। हाँ जी, इन क्लासेस के साथ साथ आपको लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, क्लास टेस्ट होते हैं, क्लास पीडीएफ आपको हर क्लास के बाद तुरंत अवेलेबल हो जाती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। 100% फ्री का मतलब है किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी अलग से पे नहीं करना है, एक प्लान परचेज करो और सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। कैसे परचेज करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाओ, प्लस सेक्शन में जाओ, एसएससी एग्जाम्स को चूज करना, अपना प्लान चूज करो और यहाँ पे जहाँ पे रेफरल कोड एंटर करते हैं वहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 1 ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा क्योंकि देखो एक तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है इसमें, दूसरी चीज़ ये है कि एक ही जगह पे आपको कंटेंट अवेलेबल है, एक ही जगह पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एक ही प्लान में आप अभिनय सर की भी शीट्स लगा सकते हो, पवन राव सर की भी आप शीट्स लगा सकते हो। 6 मंथ्स का अगर आप प्लान परचेज करते हो तो देखो पड़ेगा करीब 3800 रुपीज़ का। तो यहाँ से देखिए करीब करीब 1000 रुपए ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आप अगेन आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, तो 1 साल तक अपना कहीं इधर उधर भटकने की नीड नहीं है। प्लान लो, आराम से बैठ के स्टडी पे फोकस करो, कोई हेडेक नहीं कि कहाँ से कौन सी चीज़ करें, ये चीज़ वहाँ से। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। कोड का ध्यान रखना। एसएससी के अलावा आप किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं या कोई भी और आपको प्लान परचेज करना है तो भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप कोड अप्लाई करो PMYT और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड लगाओगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से और अपना स्कोर जो है कैलकुलेट करते रहो, रिवीजन करते रहो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट ले सको। चलो, टेक केयर।